प्रदेश में निकायों के विस्तार के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। यहां हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार की निकाय विस्तार की सभी अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि निकायों की सीमा विस्तार मामले में कोटद्वार ग्राम सभा के 35 और डोईवाला के एक ग्राम सभा के लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें निकायों की सीमा विस्तार पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें कि आज न्यायालय में ये निर्णय लिया है कि ये जितने हम लोगों ने ये चैलेंज किया था कि ये जो भी नोटिफिकेशन हुआ है, ये राज्य सरकार को कोई पावर नहीं है इस नोटिफिकेशन इश्यू करने की। केवल भारत के संविधान में 243Q2 में केवल गवर्नर ही का डिस्क्रिप्शन है। गवर्नर जब तक नोटिफाई नहीं करेगा, गवर्नर जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि पॉपुलेशन की क्या रेशियो है, उसकी डेंसिटी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, तो इन सब को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आज ये पाया कि ये जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, ये गवर्नर द्वारा नहीं किया गया, ना ही गवर्नर की कोई इसमें सहमति है। इसीलिए उन समस्त नोटिफिकेशनों को न्यायालय ने आज क्वेश्चन कर। वहीं हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सभी तथ्यों को सही मानते हुए निकाय विस्तार संबंधी सभी अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट।